नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे रउआ सब के हमार खास प्रोग्राम ओ वुमनिया में। ए प्रोग्राम में हम बताई ले फिल्म इंडस्ट्री या स्टार लोग से जुड़ल हर वो ताजा खबर के जे जनला के बाद रउआ सब के होखेला बहुत खुशी। आज ओ ऐसने कुछ खबर हम रउआ सब खातिर लेके आयल बनी जे हम बताएं और एकरा साथे ही अंत में बताएं कुछ मैसेज जे हर दर्शक लोग भेजेला अपन अपन फेवरेट स्टार खातिर। बड़ा उम्मीद से कि आज वुमनिया बतैहन अपन प्रोग्राम में हमार मैसेज तो हम जरूर बताएं, लेकिन प्रोग्राम के अंत में पहले खबर जान लेवे के जे में पहला खबर जुड़ल बटे इंडस्ट्री के लूलिया गर्ल निधि झा से। निधि झा के अब तक वो सब कई सारा गाना सुन ले बनी जा और सब गाना उनका हिट होखेला। निधि झा जे फिल्म में भी अपन डांस दिखा देवे, जे गाना में अपन डांस दिखा देवे वो गाना हिट होखल तय बा। चाहे बर्फ के पानी होखो, चाहे लूलिया का मांगेले होखो, चाहे ऐसन तमाम चिंटू का साथे डांस होखो, चाहे केहू का साथे भी, खेसारी के साथ उनका स्टेज शो भी बहुत पॉपुलर बा यूट्यूब पर। तो लेकिन अब इन भोजपुरी से हट के वो हिंदी के एल्बम में भी दिखाई देवे जा दरी। अब बहुत जल्द हिंदी के एगो एल्बम के वो आउरो काम करे वाला बड़ी हिंदी इंडस्ट्री में बॉलीवुड में ऐसा सुने में आयल बा। निधि झा के हाल ही में एगो हिंदी एल्बम जो लॉन्च भइल बटे ओकर खुद जानकारी आ निधि झा के डांस के कुछ जानकारी हम रउआ सब खातिर ले आयल बनी, देखी। निर्देशक कोरियोग्राफर पप्पू खन्ना का नया हिंदी एल्बम आए हैं दुल्हा दुल्हन ले जाएगा का भव्य मुहूर्त लॉन्चिंग मुंबई में हुई है। निर्माता अमित अग्रवाल के इस एल्बम में खुद अमित, दो चर्चित अदाकारा निधि झा और ऋचा गुजराती के साथ नजर आ रहे हैं। लॉन्चिंग के मौके पर एल्बम के सैड सॉन्ग को दिखाया गया जिसकी सभी ने तारीफ की है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमित अग्रवाल ने बताया कि वो बेहतरीन गानों की एक श्रृंखला तैयार कर रहे हैं और हर गाने में फिल्म जगत के चर्चित अदाकारा होंगे। निर्देशक पप्पू खन्ना ने बताया कि गाने की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उसकी शूटिंग खूबसूरत लोकेशंस पर भव्य तरीके से की गई है। उन खूबसूरत दृश्यों को कैमरे में कैद किया है दामोदर नायडू ने। उन्होंने आगे बताया कि एल्बम में अपनी आवाज दी है रूप कुमार राठौर ने, विनोद राठौर ने, संजीव भिलरे ने, शिवा और सोनू ने। एल्बम के संगीतकार हैं प्रदीप, जबकि गीतकार हैं नीरज राय। लूलिया के नाम से मशहूर भोजपुरी अभिनेत्री निधि झा ने बताया कि पप्पू खन्ना ने जब एल्बम का कॉन्सेप्ट समझाया तो वह इसे लेकर काफी उत्साहित हो गई थी। पप्पू खन्ना ने बताया कि एल्बम के अन्य गानों की शूटिंग भी जल्द ही की जाएगी। बढ़े के आगे जान लेवे की अगला खबर जो जुड़ल बाटे एगो ऐसन फिल्म से जो तीन दिन पहले रिलीज भइल सिनेमा घर में। 27 तारीख के रिलीज भइल बिया, नाम बाटे मेहंदी लगा के रखना 2। आ देखल जा रहल बा अब बहुत भारी मात्रा में, काहे कि पहले ही लोग के डर हो गए रहे कि भाई फिल्म तो यूट्यूब पर ना आई तो देख लेवे के ना, तो फिर देखे के ना मिली। यही से बहुत लोग जाता फिल्म देखे खातिर। फिल्म के फर्स्ट डे के अच्छा रिस्पॉन्स मिलल बाटे, काहे कि फिल्म रिलीज ना होगी अभी और वो सब जाके देख सकतानी जाई। फिल्म बिहार झारखंड के सिनेमाघर में लाग चुकल बा, मुंबई आ तमाम जगह के तनी सा वेट करे के पड़ी फिल्म आगे आवे वाला भैया, लेकिन अब ही बिहार झारखंड में खूब देखल जाती है। काहे कि पहले ही सब लोग के जानकारी मिल गई बटे कि यूट्यूब पर ये फिल्म देखे के ना मिली। यही से मेहंदी लगा के रखना के फर्स्ट डे के का कलेक्शन रहे, का हाव भाव रहे, कितना भीड़ रहे, ऐसे जुड़ल एगो खास खबर हम रउआ सब खातिर ले आइल बनी, देखी। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और जाने माने निर्देशक अनंजन अघुराज काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, और हो भी क्यों ना, दोनों की फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 को सिनेमाघरों में इतना प्यार जो मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म बीते महीने 27 अप्रैल को रिलीज हुई थी, यानी कुछ दिनों पहले, जिसे पहले दिन से ही दर्शकों का अपार प्यार मिला और पहले दिन के बाद से ही इस फिल्म को अभी तक दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि दर्शकों को पहले ही बता दिया गया था कि ये फिल्म YouTube पर रिलीज नहीं की जा रही है, इसलिए इस फिल्म को देखने के लिए सभी सिनेमाघरों में खूब जा रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस दौर में आजकल लोग कहीं बैठकर कभी भी कोई भी फिल्म अपने मोबाइल पर आसानी से देख लेते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा खामियाजा फिल्म निर्माताओं को उठाना पड़ता है, क्योंकि दर्शक सिनेमाघर की ओर रुख ना करके फिल्म को YouTube पर रिलीज होने का इंतजार करते हैं। भोजपुरी फिल्म जगत को इससे इन दिनों काफी नुकसान हुआ है। दर्शकों का एक बड़ा वर्ग YouTube पर फिल्म रिलीज होते ही उसे हाथों हाथ उठा लेता है और हर फिल्म YouTube पर ट्रेंडिंग में आ जाती है। सिनेमाघरों में दर्शकों की इसी बेरुखों के ध्यान में रखते हुए और उन्हें फिर से सिनेमाघरों की ओर जाने के लिए प्रेरित करने के लिए निर्माता अनंजय रघुराज और चर्चित म्यूजिक कंपनी एंटरटेन ने ये बड़ा फैसला लिया है।
के इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया जाएगा। हालांकि मेहंदी लगा के रखना वन जे रहे पार्ट वन ओकर जितना खास रिस्पॉन्स फिल्म के नहीं मिला, लेकिन फिर भी लोग देखे जातिया। काहे कि देखिए अब जब से फिल्म यूट्यूब पर सब रिलीज होता रही तो दर्शक लोग इंतजार कर लेता कि भाई आज सिनेमा घर में ना देखे, काले यूट्यूब पर तो रिलीज होखबे करी महीना दो महीना बाद, तो वही पर देख लेवल जाए, का फायदा टिकट देवे के। यही से नुकसान होता निर्माता निर्देशक लोग के। अब फिल्म खाली यह थोड़ी कि शॉर्ट फिल्म बना देवल गई ला यूट्यूब पर डाल देवल गई तो हिट मिल गई। अब भाई जो इतना पैसा खर्च करा था फिल्म बनावे में ओकरा तनी मनी तो पैसा भाई चाही, अब देखे वाला दर्शक लोग ना जाई तो निर्माता निर्देशक लोग के का हाल होखी रहो सब समझ सकता नहीं जा। तो यही से फिल्म देखे जरूर जाई, सिनेमा घर के माहौल कुछ और होला। फिल्म रहुआ सब देख लेम, यूट्यूब पर देख लेम, टीवी पर देख लेम, लेकिन जे मजा सिनेमा घर में मिली वो शायद कहीं ना मिली। खैर बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बाटे खेसारी लाल यादव से। खेसारी लाल के बॉक्स ऑफिस पर लगातार दो महीना ले कब्जा हो सकता, काहे कि लगातार इनकर दो गो फिल्म एक महीना दो महीना बाद पर रिलीज हो जाए। खेसारी के 11 तारीख के फिल्म रिलीज होके जाता, यही 11 तारीख के दुल्हन गंगा पार के रहो सब समझ सकता नहीं। दुल्हन गंगा पार रिलीज होता एक महीना तक जादू चलबे करी, आ तब तक ले जून में खबर आयल बा कि दबंग सरकार भी रिलीज हो जाए। दबंग सरकार का साथे साथे लास्ट में जून का लास्ट में संघर्ष के रिलीज होके के खबर भी आ चुकल बा। अब देखिए एक महीने में दो दो गो फिल्म रिलीज होके खेसारी के तो उनकर फैंस के कितना मजा आई देखी। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की सारी फिल्मों का दर्शकों को बड़ा इंतजार रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे खेसारी लाल यादव की फिल्म दुल्हन गंगा पार के आने वाले 12 मई को रिलीज होगी, तो जाहिर सी बात है पूरे एक महीने यानी मई में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगले महीने यानी कि जून में खेसारी की दूसरी फिल्म दबंग सरकार को भी रिलीज किए जाने की योजना बनाई जा रही है। फिल्म के निर्देशक योगेश राज मिश्रा ने इस बात की खुद ही जानकारी दी थी कि वो बहुत जल्द इन फिल्मों को रिलीज करने वाले हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि खेसारी के पास इस बार इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि हर महीने कोई ना कोई फिल्म रिलीज होगी ही। पिछला महीना 13 तारीख के डमरू रिलीज भइल रहे तो ओकर जादू अभी ले चला था, अब दुल्हन गंगा पार के जादू चली, फिर दबंग सरकार के, या तब ले आ जाई संघर्ष। तब संघर्ष के बाद अगला फिल्म के नंबर कौन नंबर बा वो जानल दिलचस्प होगी, लेकिन पहले ये सब जो लाइन में लगल बा वो फिल्म के तो देख लें। खैर बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बाटे एगो ऐसन फिल्म से जेकरा के ना सिर्फ बड़ बड़ बजट के साथे बल्कि बड़ बड़ नीति निर्देशक लोग मिल के ये फिल्म के बना रहल बा। फिल्म के नाम बाटे चैम्पियन। ये फिल्म में राजू सिंह माही, बहुत मधुवेंद्र राय जो बहुत बड़ इंडस्ट्री के निर्देशक मानल जले वो ये फिल्म में नजर आई है, नजर नहीं है मने निर्माण करता रहे। ये फिल्म से जुड़ल एगो खास खबर, ये फिल्म के स्टार कास्ट से जुड़ल रहो सब खातिर हम जानकारी लेके आई बनी देखें। भोजपुरी फिल्म में इन दिनों अच्छी कहानियों पर फिल्म बनने की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में इंडिया ई कॉमर्स और जीविका फिल्म के बैनर तले निर्देशक धीरज ठाकुर की फिल्म चैंपियन की शुरुआत कर दी गई है। मुंबई के पुष्पा विला में निर्माता वितरक अनिल काबरा ने नारियल तोड़कर और निर्देशक धीरज ठाकुर ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर इसकी शुरुआत की। मुहूर्त पूजा के बाद फिल्म का पहला दृश्य अभिनेता राज कपूर शाही पर फिल्माया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए निर्माता अनिल काबरा और मधुवेंद्र राय ने बताया कि चैंपियन एक बड़े कैनवास पर बन रही है जिसमें मनोरंजन के सारे रंग मौजूद होंगे। आपको बता दें कि चैंपियन में भोजपुरी जगत की हॉट जोड़ी मेगा स्टार रवि किशन और हॉट के कंजना सिंह, भोजपुरिया सुल्तान के नाम से मशहूर वर्सेटाइल एक्टर राजू सिंह माही और गदर 2 से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले किशन राय मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। राजू सिंह माही के अपोजिट हैं मेनिका राय, जबकि किशन राय के अपोजिट हैं आयुषी तिवारी। इन सबके बीच आइटम क्वीन सीमा सिंह का अनोखा अंदाज भी चैंपियन में देखने को मिलेगा। फिल्म के मुख्य कलाकारों में अनिल यादव, राज कपूर शाही, गोपाल राय, वंदनी मिश्रा, संतोष श्रीवास्तव नजर आएंगे। तो यही रहे आज के कुछ ताजा खबर, चले के समय हो चुकल बा, लेकिन वादा के मुताबिक जाए से पहले हम बताई ले मैसेज आजियो बताएं। जब पहला मैसेज भेजले बने लव कुमार लिखा था रे, बादल चांद को छुपा सकता है आकाश को नहीं, हम सबको भुला सकते हैं पर आपको नहीं। पवन सिंह एंड अक्षरा सिंह दोनों भोजपुरी का नंबर वन सिंगर है, बेस्ट जोड़ी है, इसके जैसा कोई नहीं है। दूसरा मैसेज भेजले बड़े निशांत सिंह लिखा था रे, वाह खेसारी भैया आप ही है हीरो भोजपुरिया समाज के।
ई रहे आज के कुछ ताजा मैसेज। तो हम जातनी, लेकिन जाए से पहले कहल चाहिम कि नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करल मत भूलिम। लोग ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद देत रही अपन फेवरेट स्टार खातिर, एगो प्यार भरा और खास मैसेज जरूर करें ताकि अगले एपिसोड में हमरा और मैसेज के ले सकी। और तब तक खातिर हमरा के दी इजाजत, प्रणाम। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।